दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों जय माता दी। आज आपको जानकारी देंगे शारदीय नवरात्रि 2021 के बारे में। 7 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी और ये 8 दिन की नवरात्रि है, क्योंकि एक तिथि 6 हो चुकी है। 6 होना यानी वो तिथि लोप हो चुकी है। किस प्रकार से आप नवरात्रि मनाएंगे, नवरात्रि में वो तिथि जो 6 हुई है वो कौन सी है और उसका पूजन किस दिन होगा, ये आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे पूजा का शुभ मुहूर्त। तिथियों के बारे में पहले जानकारी देते हैं, उसके बाद में शुभ मुहूर्त जानते हैं। सबसे पहले 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पहला दिन है, माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और पहला जो दिन होता है उस दिन कलश स्थापना होती है और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरा दिन 8 अक्टूबर, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और तीसरा दिन जिसमें तृतीय तिथि और चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को दोनों तिथि हैं, तो इस दिन माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा दोनों की पूजा एक ही दिन होगी 9 अक्टूबर को, क्योंकि चतुर्थी का 6 हो गया है। और पांचवी माता का पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता, इनकी पंचमी तिथि के दिन पूजा होगी, ये 10 अक्टूबर को होगी। 11 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो षष्ठी तिथि है वो 11 अक्टूबर की है। सप्तमी तिथि 12 अक्टूबर की है, माँ कालरात्रि की पूजा होती है। और अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर की है, महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर की है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है नवमी तिथि को, जो कि 14 अक्टूबर की है। तो ये तो नवरात्रि की तिथियों के बारे में जानकारी हो गई। और दसवीं यानी दशहरा, आपको शारदीय नवरात्रि का व्रत पारायण जो है वो 15 अक्टूबर 2021 को आप मनाएंगे। तो ये तो जानकारी थी नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि के बारे में तिथियों की। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त है सुबह। वैसे तो नवरात्रि में कलश स्थापना करने का पूरे दिन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि अपने आप में ही एक शुभता को लेकर आती है। इसलिए अगर आप मुहूर्त के अनुसार ही करना चाहते हैं तो मुहूर्त भी जान लीजिए। 9:18 सुबह 9:18 से लेकर के 10:46 एक मुहूर्त है सुबह एएम तक ही है। ये लगभग हो जाएगा 1.25 घंटे का। और दूसरा मुहूर्त है 11:51 एएम से लेकर के 12:38 पीएम तक। ये दो मुहूर्त हैं, इसमें आप अपना कलश स्थापन कर सकते हैं, भगवती की पूजा अर्चन शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों नवरात्रि के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि अनुष्ठान में पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने बुकिंग नहीं करवा पाई थी, वो अनुष्ठान उनका नहीं हो पाया था। तो अगर आप पिछली बार रह गए थे या इस बार करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।